देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक तो एंगल एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है एंगल ए बी ई मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। एंगल ई पी ए और एंगल डी पी बी मतलब ये वाला एंगल और डी पी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। और P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी कि ए पी इज इक्वल टू डी पी ये दे रखा है। अब जरा इसमें देखिएगा कि मेरे को प्रूव क्या क्या करना है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। टू प्रूव ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात करी जा रही है, एक तो डी ए पी की और एक ई बी पी की, इस ट्राइंगल की बात करी जा रही है। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी डी ए पी और ई बी पी। सबसे पहले एंगल डी ए पी खुद देखिएगा, डी ए पी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई बी पी ये दे रखा है। ये मेरे को गिवन है, डी ए पी और ई बी पी इक्वल है, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहूंगा कि ट्राइंगल डी ए पी में ए पी इज इक्वल टू बी पी, रीजन में लिख देना पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये जो साइड ए बी है, पी जो है ना वो उसका मिड पॉइंट है। फिर क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है इतना, हम ये कहेंगे एंगल, अब ये एंगल क्योंकि ट्राइंगल डीएपी की बात कर रहा हूं तो जो पी एंगल है वो ट्राइंगल डीएपी में लाई करना चाहिए। तो ट्राइंगल डी डी ए पी इसका एंगल पी क्या होगा, ये पूरा ही तो एंगल होगा पूरा, लेकिन यहां तो केवल इतना दे रखा है। तो मैं ये कहूंगा कि एंगल ई पी ए एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो देखो एंगल जो मुझे चाहिए ना, जैसे डी ए पी दे रखा है डी ए पी, तो ये पी वाला एंगल ये पूरा एंगल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना सा दे रखा है। तो सिर्फ इतने से एंगल को मैं क्या बोलूंगा, ई पी ए ये बोल दिया, और इतने से एंगल से बात तो नहीं बनेगी ना, एंगल तो पूरा चाहिए। फिर ऐसे ही इधर देखो, तो इधर मैं ये कहूंगा कि पी वाले पॉइंट पर ई बी पी, ई बी पी इसमें पी वाले पॉइंट पर एंगल ये पूरा चाहिए, यहां भी इतना सा दे रखा है। तो यहां पर भी लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन करेंगे किस तरह से। पहले तो ये लिख दिया मैंने कि एंगल ई पी ए मतलब इतना एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी मतलब इतना एंगल ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमने नोट कर लिया। यहां आप नोट करें गिवन, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये तो हमको दे रखा है। ठीक है, अच्छा दोनों ही एंगल में ये वाला एंगल मिसिंग है बीच वाला। अगर मान लीजिए ई पी ए है और इसमें ये वाला एंगल और ऐड कर दिया जाए
तो ये डी पी ए ये पूरा एंगल बन जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक सर, यस सर, है, बाकी बच्चे भी बता दीजिए, सभी को क्लियर है? अवनी, यस सर, पिया क्लियर है? यश, यस सर, ठीक है। चलिए तो मैं ये कहूंगा, एंडिंग एंडिंग ये जो बीच वाला एंगल है इतना, सिर्फ इतना एंडिंग एंगल ई पी डी एंडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स तो करिए एड एंगल ई पी ए एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी दोनों तरफ ई पी डी तो ऐड कर रहे हैं प्लस एंगल ई पी डी तो मैंने दोनों तरफ ये सेम एंगल ऐड कर दिया। तो देखो ई पी ए प्लस ई पी डी क्या हो जाएगा, देखिए ई पी ए मतलब इतना एंगल और ई पी डी इतना एंगल, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्या बोलेंगे, डी पी ए हो गया। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा एंगल डी पी ए। इसी तरह से ये वाला भी देखो डी पी बी और ई पी डी, तो डी पी बी मतलब इतना और ई पी डी मतलब ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल ई पी बी अब जरा दोबारा देखना, सिर्फ इस साइड वाले आप कंपोनेंट्स देखेंगे, एक तो ये और ये जो लास्ट में प्रूव होकर आया ये, तो एंगल डी ए पी, डी ए पी मतलब मैं अभी सिर्फ ट्राइंगल डी ए पी की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल ले लिया मैंने डी ए पी, फिर मैंने ये साइड ले ली ए पी, और फिर उसके बाद मैंने ये पूरा एंगल ले लिया ये वाला डी पी ए। तो इस ट्राइंगल में डी ए पी में एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं राइट वाले पैरामीटर्स पर आता हूँ, ई बी पी, ई बी पी ये वाला एंगल, उसके बाद साइड बी पी, साइड बी पी मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, और उसके बाद ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड और एंगल, तो ट्राइंगल ई पी बी या ई बी पी जो भी बोलिए, ई बी पी, तो इसका मतलब हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई, ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल डीएपी is congruent to triangle EBP. एक तो इन्होंने ये चीज प्रूव करने के लिए बोली थी, ये तो प्रूव हो गई। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये, AD is equal to BE. To prove AD is equal to BE, मुझे ये प्रूव करना है AD और BE ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम ये कहेंगे as we have proved, as we have proved in part first that ट्राइंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं,
इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरा अल्फाबेट डी ए इज इक्वल टू, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ई बी, डी ए इज इक्वल टू ई बी सेमी कॉलम, दूसरा तीसरा अल्फाबेट इसका एपी इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बीपी, फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट डीपी इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ईपी। रीजन में लिखेंगे भाई सीपीसीटी, देयरफॉर मेरे काम की चीज बस ये है, क्योंकि इन्होंने बोला एडी इज इक्वल टू बीई प्रूव करना है, तो अगर इधर डीए लिखा हुआ है तो डीए को मैं क्या बोल दूंगा, एडी बोल दूंगा। हाँ ये हो जाएगा एडी, और ये इधर ईबी लिखा हुआ है इसको मैं बीई बोल दूंगा, एक ही तो बात है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ गए? हाँ इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, सी इज जॉइंट टू कैपिटल एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट कैपिटल डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, सी फिगर 7.23। फिगर बना रखी है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इन्होंने बोला राइट एंगल डेट सी, मतलब सी पर इधर राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल इधर है, फिर ये करने के बाद में ये जो सी डी है ये वाला पॉइंट है डी, ये इन्होंने बोला कि एम इसका मिड पॉइंट है, show that triangle AMC is congruent to triangle BMD। एक तो ये दे रखा है इन्होंने DM is equal to CM, ये दे रखा है, अब देखिएगा क्या क्या करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल ए एम सी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एम सी कौन सा हो गया, ए एम सी ये इधर वाला ट्राइंगल, और बी एम डी कौन सा हो गया, ये बी एम डी ये इधर वाला ट्राइंगल। तो यहां पर किस तरह से करेंगे इसको बताएंगे, कोई तरीका जो आता हो दिमाग में। ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी, ये जो हाइपोटेन्यूस एबी है एम इसका मिड पॉइंट है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा दूसरा, आगे क्या दे रखा है इन्होंने, एंड प्रोड्यूस्ड सी इज जॉइंड टू एम, सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू डी in such a way such that dm is equal to cm, ki ye dm jo hai ye cm ke equal de rakha hai, to
अभी इस ट्राइंगल को AMC को इस ट्राइंगल के BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ये देखिएगा आप, साफ समझ में आता है। मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल AMC इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AMC एंड ट्राइंगल BMD। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना बेटा AMC, और ये वाला जो ट्राइंगल है BMD, इसमें AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। गिवन है। उसके बाद मैं बोलूंगा ये जो ट्राइंगल है AMC में, इसमें ये वाला एंगल, और ये जो ट्राइंगल है BMD में, इसमें ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल। रीजन वर्टिकली अपोजिट। तो हम ये कहेंगे कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, रीजन में डालिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। AMC इज इक्वल टू BMD हो गया। उसके बाद अगला, इस वाले ट्राइंगल में ये MC और इस वाले ट्राइंगल में ये MD, ये दोनों इक्वल। रीजन में बताइए, गिवन हो गया। अब बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया, राइट एंगल साइड, ठीक है। तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। और देखिए फर्स्ट पार्ट में तो मुझे यही प्रूव करना था कि AMC और BMD दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये करने के बाद में फिर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये क्या प्रूव करवा रहे हैं। सेकंड पार्ट में बेटा ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, है ना। ये चीज प्रूव करवा रहे हैं। अब देखो इसको कैसे नोट करें, सिंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये जो इतना वाला ट्राइंगल है ना AMC, ये वाला ट्राइंगल और ये जो इतना वाला ट्राइंगल है BMD, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब जरा ये देखो, जब ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ये तो श्योर है। हाँ, अब इसमें दो साइड्स तो इक्वल दे रखी है, तो फिर ये तीसरी कैसे बचेगी, AC और BD, ये दोनों भी इक्वल होंगी, समझ रहे हैं कि नहीं। वैसे देख लो सिक्वेंशली, आप पहला दूसरा AM, इसका पहला दूसरा BM, AM इज इक्वल टू BM, वो तो पहले ही है, पता है हमको। दूसरा तीसरा MC, दूसरा तीसरा MD, दूसरा तीसरा MD, ये भी हमें पता है, तो वही पहला तीसरा भी होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BD, रीजन में डालो बाई CPCT, ठीक है। बताइए ध्यान, क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो है ना DBC, ये भी 90 डिग्री का है, दे नहीं रखा, मुझे प्रूव करना है। कैसे करूंगा अभी बताते हैं। मैं एक काम करूंगा कि ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल DBC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ACB में बीच में कौन सा अल्फाबेट लाई कर रहा है, C, और C पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री,
डी बी सी में बीच में अल्फाबेट लाई कर रहा है बी, तो बी पर भी 90 डिग्री बनेगा अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखना आप कैसे करेंगे। ये ए सी इज इक्वल टू बी डी मैंने एक बार प्रूव करके छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1 बनाकर। इसको आगे की कहानी आगे देखते हैं। मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी बी सी, लिख दो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा। अब क्या करें इसमें, इसमें ये कह देंगे सबसे पहले तो डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू ए सी। यहां लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यही तो प्रूव करा था, बी डी बोलो या डी बी बोलो एक ही बात है, तो डी बी इज इक्वल टू ए सी हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ये करेंगे। इसके बाद अगला देखो, ट्राइंगल डी बी सी में ये साइड लाई कर रही है बी सी, और ट्राइंगल ए सी बी में भी लाई कर रही है बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड। बोलो भाई ट्राइंगल डी बी सी, मैं डी बी सी और ए सी बी लेकर चल रहा हूँ, तो डी बी इज इक्वल टू ए सी है। ये तो समझ गए, हमने अभी अभी देखा था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो ये तो दोनों इक्वल है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगली साइड क्या आ रही है बी सी, भाई वो ट्राइंगल डी बी सी में भी बी सी साइड लाई कर रही है और ट्राइंगल ए सी बी में भी बी सी साइड लाई कर रही है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड। समझ गए, ये दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो ये वाली साइड बचती है ना डीसी, डीसी इज इक्वल टू एबी लिख दो, पहले लिख दो डीसी इज इक्वल टू एबी पहले लिख दीजिए, और यहां बड़ा सा ब्रैकेट लगाकर लिखें सिंस। सिंस देखो मैंने बोला कि डीसी, ये जो डीसी है ये एबी के इक्वल है। हाँ ये कैसे करा, ये तो इक्वल नहीं होगा शायद। डी एम एम डी और एम सी इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल थोड़ी है। दो साइड्स तो इक्वल हो गई, तीसरी साइड इक्वल होगी। ये काट दो, ये काट दो, ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डीसी जो साइड है और वो ए बी साइड, ये दोनों तो इक्वल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो दोनों को मैं इस तरह से तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर नहीं पाऊंगा। कोई और तरीका अगर आता है दिमाग में तो
देखो एक चीज ना ऐसी होती है, हालांकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। मैंने इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल को ऐड कर दिया, अगर मैंने इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को ऐड कर दिया तो ए सी बी बन गया, और इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को ऐड कर दिया तो डी बी सी बन गया। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट था तो इसमें भी ये ऐड कर दिया, इसमें भी ये ऐड कर दिया, तो जो दोनों ट्राइंगल बने ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बड़ी आसान सी थ्योरम है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम इसमें दूसरा फंडा यूज करते हैं। एक काम करेंगे, यहां नोट करें सिंस ट्राइंगल ए एम सी, यही वाला, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम बी। हमारा जो ये ट्राइंगल है ए एम सी और बी एम डी, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब तो यही है ना कि इन दोनों के सारे एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। कैसे? पहली पोजीशन पर देखो ए, इसकी पहली पोजीशन पर देखो बी, तो मैं क्या कहूंगा, इट इम्प्लाइज दैट इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए, तो ए कैसे लिखा जाएगा, ए को बीच में डाल दो एम और सी के, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू इसमें क्या, पहली पोजीशन पर क्या बी, तो बी को बीच में डाल दो एम और डी के, एंगल एम बी डी, एंगल एम ए सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एम बी डी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, समझ गए, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी। अब क्या करें, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम ये कहेंगे एंड दीज टू एंगल्स आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको ये चीज तो शायद समझ में आ रही होगी कि एक ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो एक तो ए बी के इधर वाला एंगल और एक ए बी के इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है ये इक्वल है ना, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल अगर होते हैं तो वो कब होते हैं, जब दो लाइन्स पैरेलल होती है ना, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी, AC is parallel to BD, ठीक है, so angle ACB plus angle DBC is equal to 180 degree, और ब्रैकेट में लिखना को इंटीरियर एंगल्स। मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ए सी बी डी के पैरेलल है, ये समझे कि नहीं, ये तो समझ में आ गया। अब आप ये देखो कि ए सी बी डी के पैरेलल अगर है तो देखिए ए सी और बी डी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, उन दोनों लाइंस को टच करने वाली कितनी भी लाइंस होंगी जो दोनों को टच करती है वो सब ट्रांसवर्सल कहलाएंगी। तो देखो ये ए सी है और ये बी डी है, तो एक तो ये भी ट्रांसवर्सल है ए बी, क्योंकि ये ए बी लाइन ए सी को भी टच कर रही है, बी डी को भी टच कर रही है। इसी तरह से ये जो डीसी है ये भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये एसी को भी टच कर रही है, बीडी को भी टच कर रही है। इसी तरह से ये बीसी भी तो ट्रांसवर्सल है, ये बीडी और एसी दोनों को टच कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं पक्का? हाँ। अब जरा देखो ए सी बी मुझे दे रखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो यहां से मैं एंगल डी बी सी किस तरह से निकालूंगा,
यहाँ हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री प्रूफ्ड, शायद समझ में आ गया होगा है ना। तो ये इतनी लंबी कहानी वो करें कि भाई दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो उसकी जरूरत है नहीं। बताइए भाई समझ गए कि नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे? अवनी देवान यस सर, यस सर। चलिए जी ठीक है, चलिए जी ये हो गया फर्स्ट सेकंड, थर्ड पार्ट देखते हैं। टू प्रूव ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। अच्छा जो यहां करने वाला था वो अब करना पड़ेगा, कर लेंगे अब तो कर ही लेंगे। ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी। चलो जी अब ये जो काटा था ना ये काम अब आ जाएगा। क्या कहेंगे DB इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन में कहा था ना DB इज इक्वल टू AC, एक तो ये हो गया। दूसरा एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, भाई दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। और तीसरा BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसके बाद यहां कर रहा हूं यहां पर साइड एंगल साइड, तो भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद थर्ड फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है सीएम इज इक्वल टू हाफ एबी। सीएम इज इक्वल टू हाफ एबी ये प्रूव करना है। तो यहां लिखिएगा सिंस ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो DBC और ACB ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मुझे क्या प्रूव करना है? CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो पहले तो मैं AB की बात करूंगा ना, ये जो CD है CD इज इक्वल टू AB हो जाएगा। देखो इसमें पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है CD और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है AB। मैं ये कहूंगा इट इम्प्लाइज दैट CD इज इक्वल टू AB, रीजन में लिखिए बाई CPCT। फिर मैं कहूंगा ये जो CD है ये CD क्या है, ये CD जो है इसको मैं ये बोल सकता हूँ CM और DM दोनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि CM का डबल है ये, नहीं कह सकते क्या? देंगे यहाँ पर बोलूंगा मैं, सुनो CD इज इक्वल टू AB तो आ गया होगा समझ में शायद, हाँ
सीडी इज इक्वल टू एबी। अब ये जो सीडी है इसको मैं लिखूंगा सीएम प्लस डीएम, सीडी की जगह लिख दो सीएम प्लस डीएम, ये बताओ ये समझ गए? नहीं दोबारा बताता हूँ सुनो, हमारे पास सीडी इज इक्वल टू एबी तो ऐसे आ गया कि ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी बी सी ये कॉन्ग्रुएंट थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो अल्फाबेट्स देखिए, पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? डी सी, तो डी सी को मैं सी डी लिख सकता हूँ, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? ए बी, ए बी को ए बी लिख दिया। ये जो सी डी है, सी डी है ये वाली लाइन, यानी कि सी डी और ये जो ए बी है ये दोनों की लेंथ इक्वल है। सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एम प्लस डी एम, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का एडिशन सी डी के बराबर है, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सी एम को तो सी एम ही लिखा रहने दो, डी एम को भी सी एम ही लिख दो। क्यों? रीजन में लिख रहा हूं, बिकॉज सी एम इज इक्वल टू डी एम, क्योंकि सी एम और डी एम दोनों इक्वल है। नहीं समझे? ये जो सी एम है और ये जो डी एम है दोनों इक्वल है, तो मैंने डी एम की जगह भी सी एम लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ में सी एम ही चाहिए, बस डी एम मुझे चाहिए ही नहीं। सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा? जैसे x प्लस एक्स टू एक्स होता है, सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा? टू सी एम इज इक्वल टू ए बी, ए बी है कोई भी टर्म है तो उसमें तो वन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मान लो वन इंटू ए बी लिखा हुआ है, इसको टू को नीचे ले जाओ तो सी एम इज इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई ए बी। बताइए हो गया कि नहीं देवांश? देवांश समझ में आ गया? देवांश, अग्नि, जानवी, टिया, विधि? यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। दो थ्योरम लिख लो। इधर मेंशन कर रहा हूं, क्लियर है सब? क्लियर है सब? तो तुम तीनों को आपस में अपना, तुम दोनों को तो पता ही है, तुम्हें नाम पता है इन दोनों का? उसका भी पता है? नहीं पता होगा। तुम दोनों को आपस में नाम पता है? चलो ठीक है, तुम साइलेंट मोड में बात करते हो, तुम्हारी ना आवाज नहीं आती। पता नहीं जब नाइन्थ क्लास का बैच शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सन्नाटा हो रखा है, क्या बात है। आप लोग परेशान तो नहीं रहते किसी चीज से? तुम मुझे परेशान लगते हो। सब ठीक है? पक्का? हाँ, वो हंसता भी पता नहीं चलता क्योंकि मास्क के अंदर हंसी छुप जाती है। भाई तुम ठीक हो? टेंशन में रहते हो? सब ठीक है ना? कोई बात हो तो बता देना, ठीक है? ये इधर आते हो सोसाइटी में कोई परेशान तो नहीं करता? पक्का? ठीक है। और कैसे, पापा मम्मी कोई छोड़ने आता है? हाँ, अकेले आया करो। ये मैं आप सबको कह रहा हूँ कि किसी का भी पापा मम्मी वगैरह छोड़ने आया करें, उन्हें परेशान मत करो, खुद निकलो, थोड़ा सा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब एट्थ क्लास तक तो बच्चा बच्चा ही रहता है, नाइन्थ से धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, तो इसलिए अपने काम थोड़े बहुत खुद किया करो। चलिए जी, नोट करें। दो थ्योरम लिखवाऊंगा, एक थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ये पागल है क्या? इक्वल साइड्स तो आइसोसेलस ट्राइंगल में ही होती है, तो आइसोसेलस क्यों मेंशन कर रखा है इन्होंने? चलो फिर भी लिख लो, फिर भी लिख लो भाई, एनसीईआरटी वाले मान लेते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, समझ में आ गया क्यों लिखा हुआ है? हम ही पागल हैं। आर इक्वल
एंगल्स ऑपोजिट टू आइसोसेलस इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल. अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी साइड भी इक्वल हो, तो वो इक्विलेटरल बन जाता है. तो इसीलिए इन्होंने स्पेशली आइसोसेलस बता दिया कि भाई उसकी दो ही साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है. ठीक है. मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें ए बी सी, अगर उसकी ये साइड ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा, ये, ए सी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा, ये दोनों भी इक्वल होंगे. ठीक है. तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये जो हम दो छोटी छोटी पैरेलल लाइंस बनाकर छोड़ देते हैं, इसको तो बोलते हैं इक्वल टू. और ये पैरेलल लाइंस बनाकर जो ये मैं एरो लगा देता हूं, इसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट. इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, इंप्लाइज दैट को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है. तो ये जो थ्योरम लिखी हुई है, इसका मतलब होता है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देन ए बी के सामने वाली साइड, ए बी के सामने वाला एंगल, सॉरी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के सामने वाला एंगल, एंगल ए बी सी, इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है. इसका उल्टा भी ट्रू है. जैसे ये है एंगल सपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, तो उल्टा भी है कि साइड्स सपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल वो भी इक्वल है, जो इसके अगली वाली थ्योरम है. इस वाली थ्योरम का तो रिकैपिटुलेशन है. रिकैपिटुलेशन का मतलब क्या है, सिर्फ थ्योरम थ्योरम पढ़नी है. वो जो थ्योरम है उस थ्योरम का प्रूफ भी है जो अगली थ्योरम है. देखता हूँ टाइम बचा है तो करवाता हूँ. चलिए थ्योरम लिख लीजिए, प्रूफ कल की क्लास में करा दूंगा. थ्योरम लिख लो बस. तो थ्योरम नेक्स्ट नोट करें. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of an sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal. लिख लिया. ठीक है. आगे एक ट्राइंगल भी बना लो. ए बी सी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो मानो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बना लिया ट्राइंगल. इट इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी, इफ लिखेंगे, इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, देन इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, ए सी इज इक्वल टू ए बी. याद दिला देना, कल आते ही पहले इसका प्रूफ करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. आज इतना ही कर लो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. थैंक यू सर.